Hello and welcome. My name is Smita Minj and I am here to help you out in your 2-year B.Ed course. So let's get started with our today's topic of discussion, जो कि हमारा है types and kinds of knowledge, यानी कि ज्ञान के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये हमें इस वीडियो में देखना है. तो ये आप लोगों का B.Ed का एक सब्जेक्ट रहता है, करिकुलम एंड नॉलेज. इसके अंदर आप लोगों को ये टॉपिक देखने की ज़रूरत होती है. तो पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज में पहला पॉइंट क्या है. तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर नॉलेज, यानी कि ये जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. पोस्टीरियर ये लैटिन भाषा का लिया हुआ शब्द है और इसका ये अर्थ होता है कि दैट विच कम्स आफ्टर, जो कि हमें बाद में आया. यानी कि इस प्रकार का नॉलेज जो हम किसी सिचुएशन को पहले फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे, उससे हम एक्सपीरियंस लेंगे, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू, उसका सामना करने के थ्रू या उसके बाद जो ज्ञान हमारे पास आएगा या जो नॉलेज या उस सिचुएशन के बारे में समझ जो हमारे पास आएगी, वो हमारा जो है पोस्टीरियर नॉलेज कहलाएगा. यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई फीमेल है एंड उनको मदरहुड के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, कब तक उनको नहीं पता रहेगा, जब तक वो खुद उस स्टेज को जो है फेस नहीं करेंगी, जब तक वो खुद उस स्टेज में पहुंचेंगी नहीं. उसके बाद अगर वो खुद जब मदरहुड में आएंगी, यानी कि उनका एक बच्चा है, उनको पहले उनको पता नहीं रहेगा कि किस तरीके से एक बच्चे को संभालना है, कब उसको सुलाना है, कब खिलाना है, कब उसका उठने का टाइम है, ये उनको नॉलेज पहले नहीं रहेगी. बट वो जब उस स्टेज में पहुंचेगी, जब अपने खुद अपने बच्चे का वो पालन पोषण करेगी, उसको संभालेगी, उनको पता होगा कि इनको किस समय खिलाना है, किस समय ये सोते हैं, किस समय ये जगते हैं, उस चीज़ से वो गुजरेगी, उस स्टेज को वो फेस करेंगी, तभी उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज या ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा. तभी वो अपने कर्तव्य को भी अच्छे से निभा सकती हैं और दूसरों को उस चीज़ के बारे में, उस विषय के बारे में बता सकती हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए या ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए. तो कोई भी ऐसा ज्ञान जो हम किसी सिचुएशन को खुद सामना करके आए हैं, उसमें रह के आए हैं, उसको एक्सपीरियंस करके आए हैं, उसके बाद जो ज्ञान हमारे पास आ रहा है या जो नॉलेज हम उस सिचुएशन से ले रहे हैं, इसी प्रकार के नॉलेज को जो है पोस्टीरियरी नॉलेज कहा गया है. नेक्स्ट हमको देखना है सेकेंड टाइप ऑफ नॉलेज, प्रायोरी नॉलेज. अब ये क्या होता है, ये पहले वाले नॉलेज का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि पोस्टीरियरी नॉलेज का अपोजिट होता है. उसमें हमें क्या था कि हमें किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके देखने की ज़रूरत थी, उसके बाद हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते थे. अब इसमें ये है कि हमको खुद से, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. इनमें वो चीज़ें आती है जो किसी प्रिंसिपल के थ्रू या किसी थ्योरी के थ्रू जो है हमको ऑलरेडी पता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि 1+1=2. तो हमको पता है कि 1+1 अगर हमको कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि 1+1=2 होता है. इसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है. ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा है कि 1+1=2 होता है, तो उसके थ्रू ये हमें चीज़ पता है. तो इस तरीके से जो पहले का ज्ञान हमारे पास है, जो कुछ पढ़ के या सुन के हमने कहीं से सीखा हुआ है, वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रायोरी नॉलेज में आ जाएगा, जिसमें कि एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती. पहले की सीखी हुई चीज़ों के थ्रू ही हमको नॉलेज जो है वो गेन होता है. नेक्स्ट हमको देखना है जो टाइप ऑफ नॉलेज, वो है डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज. अब इसमें ये कहा गया है कि जो नॉलेज है या ज्ञान है, वो किसी विषय के ऊपर एक ही व्यक्ति उसको पूरी तरीके से समझ ले, ऐसा संभव नहीं होता है. अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करना है, तो आपको कोई बड़ी चीज़ अगर अचीव करना है, तो आपको एक टीम की या एक ग्रुप की ज़रूरत होगी, जिसमें अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स जो हैं आपके साथ मिलके काम करेंगे. इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपको एक बिज़नेस रन करना है, मान लीजिए मैं एक बिज़नेस जो है वो करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता मतलब कि मैं अकेले ही सारी चीज़ों को कर लूँ. मैं खुद से सारी प्लानिंग कर लूँ, खुद से उसको इम्प्लीमेंट कर लूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स भी खुद बनाऊँ, मैं उसकी सेलिंग भी खुद करूँ, मैं अकाउंटेंट का काम, यानी कि जो
फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करने का होता है वो सब भी मैं ही देख लूँ, ऐसा एक व्यक्ति से पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ का ज्ञान उसको हो। तो अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो मुझे एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो कि पैसे का लेन देन देखेगा, मुझे ऐसे वर्कर्स रखने पड़ेंगे जिनके पास स्किल हो ताकि वो प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस कर सके, जो भी गुड्स मैं बना रही हूँ उसका निर्माण कर सके, मुझे प्रमोटर्स की ज़रूरत होगी जो लोग उसको प्रमोट कर सके एंड मार्केटिंग कर सके, सेल्समैन की ज़रूरत होगी, सेल्स पर्सन की ज़रूरत होगी ताकि वो उसकी जो है बिक्री करवा सकें। तो यानी कि क्या हुआ, एक ही काम के लिए और एक ही उद्देश्य के लिए लोग लगे हुए हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है, एक बिजनेस को या किसी भी व्यवसाय को रन करना या चलाना, लेकिन उस एक काम को करने के लिए अलग अलग फील्ड की जानकारी रखने वाले लोग जो है हमें चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज, कि किसी चीज़ का ज्ञान जो अलग अलग लोगों में बटा हुआ है, काम हमारा एक ही है, उद्देश्य हमारा एक ही है, लेकिन अलग अलग फील्ड के नॉलेज रखने वाले लोग हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डोमेन और एक्सपर्ट नॉलेज। डोमेन और एक्सपर्ट नॉलेज का ये मतलब हुआ कि इस प्रकार का नॉलेज जिसमें हम बहुत ज़्यादा माहिर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन नॉलेज इज डीप नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन और डिसिप्लिन। डोमेन नॉलेज का ये मतलब है कि किसी विषय के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से या बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज जो है, डीप जानकारी जो है उस विषय के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर विषय या फील्ड के बारे में आपको जानकारी या नॉलेज होना चाहिए। अ पर्सन विथ डोमेन नॉलेज इज इनक्रेडिबली नॉलेजेबल विथ देयर डिसिप्लिन, यानी कि जिसके पास डोमेन नॉलेज होता है ऐसा व्यक्ति अपना जो पर्टिकुलर एक उसका फील्ड होता है, जो लाइन होता है, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान या ज्ञानवान होता है, बट मे जस्ट हैव जनरल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग एल्स, और बाकी चीज़ों के बारे में उसको सिर्फ जनरल नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा डीप में ज्ञान उसके पास नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पैडागॉगी, इससे आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं पैडागॉगी सोशल साइंस मेरा रहा है, मैं पैडागॉगी सोशल साइंस पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे क्या होगा, सोशल साइंस के बारे में बहुत डीप नॉलेज होगी, चाहे आप सोशल साइंस के से रिलेटेड कुछ भी सवाल उठा करके मुझे दें, उसको मैं ईजिली सॉल्व कर पाऊँगी या उसको मैं मतलब समझ पाऊँगी या आपको समझा पाऊँगी, यानी कि सोशल से रिलेटेड कुछ भी सवाल आप करेंगे तो मैं उसका जवाब देने में सक्षम होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आप अगर पूछेंगे कि आप 2 का टेबल बताइए, 4 का टेबल बताइए, 5+5 कितना होता है बताइए, तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी, ऐसा तो नहीं। मतलब मुझे मेरा जो फील्ड है सोशल साइंस, मुझे उसका बहुत ज़्यादा गहराई से ज्ञान है, नॉलेज है, प्लस जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसका भी मुझे जनरल नॉलेज है पर उतना डीप में मुझे नॉलेज नहीं है, ऊपरी ज्ञान जो है मुझे होगा। तो डोमेन और एक्सपर्ट नॉलेज का वही मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें कि आप एक्सपर्ट हों, जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान या नॉलेज हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेसिट नॉलेज। अब इसका ये मतलब होता है, दिस इज़ नॉलेज दैट यू हैव बट कैन नॉट एक्सप्रेस। ये इस प्रकार का ज्ञान या नॉलेज होता है जो आपके पास है तो सही, पर आप दूसरों तक उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इस चीज़ को आप कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एन एक्सपर्ट वेट नोज हाउ टू कनेक्ट विद द हॉर्स एंड सेटल इट्स नर्वस बट मे बी अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ दे कैन डेवलप दैट रिलेशनशिप सो क्विकली। यानी कि अगर एक व्यक्ति है जो कि एक घोड़े को यानी कि एक हॉर्स को काबू में कर ले रहा है पर उसको वो समझा नहीं पा रहा है आपको कि मैं ये कैसे कर ले रहा हूँ। एक घोड़ा है, मान लीजिए मैं गई, मैं उसको शांत नहीं कर पाई, संभाल नहीं पाई, और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उसको शांत करा देगा, उसको संभाल लेगा या उसको काबू में ले आएगा, लेकिन वो व्यक्ति जब मैं पूछ रही हूँ कि आपने ये कैसे किया, तो वो व्यक्ति मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, जस्ट हो गया उससे कि मतलब या तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है उस चीज़ में या कुछ होगा जिसकी वजह से वो कनेक्ट कर पाए उस हॉर्स के साथ में और उसको जल्दी से जो है उस घोड़े को शांत कर पाए। मतलब वो नॉलेज उनके पास है, वो ज्ञान उनके पास है या वो स्किल उनके पास है कि वो उसको
किस तरीके से शांत करना है, पर वो मुझे नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे हुआ। वो बस ऐसा रहेगा कि मैंने ट्राई किया और हो गया। तो इस तरीके का जो नॉलेज रहता है, जिसको हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के बता नहीं पाते या शेयर नहीं कर पाते, इस तरीके के नॉलेज को जो है टैसिट नॉलेज कहा जाएगा। नेक्स्ट हमको देखना है एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज का ये मतलब होता है कि जिसको आप दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, अगर किसी चीज़ का ज्ञान आपके पास है, किसी चीज़ की जानकारी आपके पास है, वो आप दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है रेसिपीज। अगर मुझे कोई रेसिपी आती है, कोई खाना बनाना आता है, उसका मैं आपको जो है डिक्टेट करके एक एक चीज़ बता पाऊँगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत है, कितनी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, पहले आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, कितनी देर तक पकाना है, मतलब मैं उस चीज़ को स्पेल करके, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको डिक्टेट करके बता पा रही हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाएगा, जो हम दूसरों के साथ ईजिली शेयर कर सकते हैं। और इसके पहले जो हमने देखा था टैसिट नॉलेज, उसमें क्या था कि हम अपनी नॉलेज को या अपनी जानकारी या अपना स्किल जो भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसको हम यूज़ तो कर पा रहे हैं, पर हम दूसरों को उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते या शेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमको देखना है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज का ये मतलब होता है कि कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें पहले से पता है, यानी कि उसको या तो हम याद रख सकते हैं, उसमें खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज इज़ नोइंग दैट समथिंग इज़ ट्रू, यानी कि हमको पता है कि हाँ ये चीज़ सत्य है, फैक्ट है। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज कैन बी लर्न्ड थ्रू मेमोराइजेशन, यानी कि डिस्क्रिप्टिव नॉलेज या डिस्क्रिप्टिव ज्ञान जो होता है उसको हम मतलब याद करने के थ्रू उसको हम सीख सकते हैं, एंड डज नॉट रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस फील्ड में ज़रूरी नहीं है। हमको पता होता है कि ये चीज़ जो हमें बताई गई है ये सच ही है, सत्य ही है, और उसी को मान के हम सीख लेते हैं। जैसे कि बच्चों को स्कूल्स में सिखाया जाता है कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो बच्चा जा कर के देखता है क्या कि, या खोजबीन करता है क्या कि ईस्ट से ही जो है सूरज क्यों उग रहा है, क्यों ऐसा चीज़ सिखाया जा रहा है, या इस तरीके का खुद का कुछ एक्सपेरिमेंट या खोजबीन नहीं करते। हमको जो स्टार्टिंग से सिखा दिया जाता है कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो उसको हम सत्य मान के ही चलते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट दिशा से ही निकलता है। तो इस टाइप का जो नॉलेज होता है जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ जो बताया गया है वो ट्रू है, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। नेक्स्ट यहाँ पे है सिचुएटेड नॉलेज। सिचुएटेड नॉलेज का ये मतलब होता है कि किस सिचुएशन या परिस्थिति में आप हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, और दूसरी सिचुएशन या परिस्थिति के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा अजीब या अटपटा लग सकता है। ये इस टाइप का नॉलेज कहाँ पे हमको देखने मिलता है, जहाँ पे कम्युनिटी या कल्चर वगैरह की बात आती है, वहाँ पे हम इस तरीके के नॉलेज को देख सकते हैं। मान लीजिए मैं एक अलग कम्युनिटी एंड कल्चर से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे फेस्टिवल्स, हमारे मान्यता, बिलीव्स वगैरह जो रहेंगे, ट्रेडिशंस, कस्टम्स रहेंगे, वो कुछ अलग रहेंगे। उसके बाद उसकी नॉलेज मुझे होगी, पर आप अगर अलग कम्युनिटी से हैं, अलग कल्चर से हैं, तो आपके फेस्टिवल, कस्टम, ट्रेडिशंस जो है, आपकी सारी चीज़ें अलग होगी। तो मुझे मेरे कल्चर की सारा नॉलेज है, आपको आपके कल्चर की सारा जो भी है नॉलेज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिचुएटेड नॉलेज, यानी कि जिस सिचुएशन या परिस्थिति में हम हैं उसके बारे में ही हमको नॉलेज रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, अदर्स माइट हैव डिफरेंट नॉलेज दैट हैज़ ग्रोन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड यू मे फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड देयर नॉलेज फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। मतलब अगर मैं आपके कल्चर को समझना चाहूँ तो मुझे कुछ कठिनाई हो सकती है, या मुझे लगेगा कि इनके कल्चर में इस तरीके की चीज़ें क्यों होती है। आप अगर मेरे कल्चर को समझना चाहें तो आपको लगेगा कि इनका कल्चर थोड़ा अजीब है, इनके कल्चर में ये चीज़ें क्यों होती है। तो हम अपना अपना परस्पेक्टिव लगा करके सोचेंगे तो एक दूसरे की चीज़ें जो है हमें अजीब लगेंगी, बल्कि जिस सिचुएशन में हम रहते हैं वो हम उसको हम अच्छी तरीके से अपना लेते हैं, और उस चीज़ का जो ज्ञान हमें रहता है वही हमारा सिचुएटेड नॉलेज जो है वो कहलाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिवील्ड नॉलेज. रिवील्ड नॉलेज यानी कि कोई कुछ चीज रिवील कर रहा है, हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसको देख के या पढ़ के हम किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं या नॉलेज ले पा रहे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन, जो कि अलग अलग रिलीजन्स की जानकारी हमें होती है उसको हम रिवील्ड नॉलेज में गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कुरान, बाइबल, वेद एटसेट्रा, यानी कि कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़ के हमको, मतलब कुरान, बाइबल या वेद में जो चीज़ें लिखी हुई है वो हमको रिवील की जा रही हैं कि हाँ उस समय में जो है पुराने समय में इस प्रकार की चीज़ें हुई थी या इन इन रिलीजन्स में इस टाइप की जो है चीजें होती है. तो ये किसी किताब को पढ़ के या सुन के हम उसके बारे में जान रहे हैं, किसी ने कोई चीज लिख के रख छोड़ी है उसको पढ़ रहे हैं हम, वो रिवील कर रहा है वो किताब हमको चीजें, उसके थ्रू हम नॉलेज ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवील्ड नॉलेज हो जाएगा. नेक्स्ट हमको देखना है प्रोसीजरल नॉलेज, ये लास्ट पॉइंट है. प्रोसीजरल नॉलेज का ये मतलब होता है कि जब किसी चीज़ के बारे में आपको उसका प्रोसीजर या उसका प्रोसेस या उसका सीक्वेंस जो पता होता है उसी चीज़ को हम प्रोसीजरल नॉलेज या प्रोसीजरल ज्ञान जो है वो कह सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल से आप लोग समझिए कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, मान लीजिए उसकी बैटरी में खराबी है, तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ हथौड़ा या कुछ उठाएंगे, हैमर वगैरह लेंगे और सीधा मार देंगे कि नहीं हमको तो मतलब बैटरी निकालनी है गाड़ी की, उसको सुधारने के लिए तो आप किसी भी तरीके से निकालने का प्रयास करें, ऐसा होगा तो और जो खराब है उसका और सत्यानाश हो जाएगा. तो आप क्या करेंगे, पहले कुछ जो नट्स एंड स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं आप उनको हटाएंगे, ऊपर का जो पार्ट है जो कवर है आप उसको हटाएंगे, उसके बाद आप जहाँ पे बैटरी लगी हुई है उस जगह से उसको सही तरीके से निकालेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे और फिर उसी प्रोसेस को दोहराते हुए आप वो बैटरी वहाँ पे वापस से प्लेस करेंगे, उसको लगाएंगे, फिर उसका कवर लगाएंगे, फिर वो नट्स वगैरह टाइट करेंगे. तो ये क्या हो रहा है, आप एक सीक्वेंस को समझ रहे हैं या आप एक प्रोसेस को समझ रहे हैं. इसी प्रकार से किसी भी विषय के बारे में जो मतलब सीक्वेंस होता है, किसी काम को करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप समझ पाते हैं और उसके बारे में आपको ज्ञान है तो वो आपका प्रोसीजरल नॉलेज कहलाएगा. जैसे आपको अपने कॉलेज में अगर कोई शिकायत है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके नहीं बोलते हैं, आप अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, टीचर से नहीं हो पाता तो आप जो HOD रहते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे नहीं हो पाता तो आप जो है प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल से भी नहीं हो पाता तब आप जाके यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप सीधा उठे और यूनिवर्सिटी में पहुंच गए. तो क्या हो रहा है, आप एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि किसके बाद क्या करना है, किनसे मिलने के बाद क्या करना है, एक प्रोसीजर एक प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बारे में आपको जानकारी है या ज्ञान है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोसीजरल नॉलेज. प्रोसीजरल नॉलेज इज नोइंग हाउ. नोइंग हाउ यानी किसी चीज़ को कैसे करना है या किसी गोल को, किसी उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है. इट इज़ नॉलेज अबाउट हाउ टू कैरी आउट टास्क इफेक्टिवली. किसी भी टास्क या किसी भी काम को किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से अचीव किया जाए, इस बात का नॉलेज होना ही प्रोसीजरल नॉलेज कहलाता है. दिस में इन्वॉल्व अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. किसी भी प्रक्रिया का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको होना चाहिए, बाय विच समथिंग गेट्स अचीव, जिसके द्वारा आप किसी चीज़ को अचीव कर सकें या हासिल कर सकें. तो ये था आपका काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज. तो इसमें हमने कितने पॉइंट देख लिए, पोस्टीरियोरी नॉलेज हमने देखा जिसमें कि हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद उस परिस्थिति से गुजर के उसका सामना करके उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो पोस्टीरियोरी नॉलेज कहलाता है. प्रायोरी नॉलेज यानी कि हमको खुद से एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1+1 कोई पूछे तो 2 होता है, हमें पता होता है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल के द्वारा हमको पता है, हमें स्टार्टिंग से यही चीज़ सिखाई गई है. नेक्स्ट हमने देखा था डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज, यानी कि एक ही आपका उद्देश्य है, एक ही गोल है, पर उसको अचीव करने के लिए आपको अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. जैसे कि एक बिजनेस रन करने के लिए आपको अकाउंटेंट, प्रमोटर, सेल्स पर्सन, प्रोडक्टिव पर्सन, सभी लोगों की ज़रूरत आपको होगी. ठीक है,
नेक्स्ट हमने डोमेन और एक्सपर्ट नॉलेज देखा, यानी कि इस प्रकार का नॉलेज कि हमको अपना जो डोमेन है, हमारा जो फील्ड या हमारी जो लाइन है उसमें कंप्लीट हमारी पकड़ हो, कंप्लीट हमारा समझ हो और बाकी चीज़ों का हमें सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग या जनरल नॉलेज हो। नेक्स्ट टेसिट नॉलेज देखे थे, इसका ये मतलब होता है कि इस प्रकार के ज्ञान या नॉलेज जो आप कर तो सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको है, जिसका स्किल आपके पास है, बट आप दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आप वो काम कर कैसे रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सप्लिसिट नॉलेज, यानी कि ऐसा आपका नॉलेज या स्किल या टैलेंट जो भी है, ज्ञान है, जो कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर खाना बनाने की कोई रेसिपी है तो वो मैं आपको एक के बाद एक बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितनी लगेंगी, कैसे लगेंगी, तो मैं अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को आपके सामने एक्सप्रेस करके दिखा पा रही हूँ, वो मेरा एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज यानी कि चीज़ें हमको पता है कि जो चीज़ें हमको बताई गई है वो सत्य है और हमको उसी को मानना है, उसमें कोई अलग से खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन से सूरज उगता है, वही सही है, वही आपको मानना है, उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सिचुएटेड नॉलेज, कि जिस सिचुएशन या परिस्थिति में हम रहेंगे उसके बारे में जो पूरा ज्ञान या नॉलेज हमको रहता है वही हमारा सिचुएटेड नॉलेज होता है। रिवील्ड नॉलेज यानी कि किसी किताब या किसी रिलीजियस बुक से हमारे सामने जो चीज़ें रिवील की गई है, जो रखी गई है, बताई गई है, उन सारी चीज़ों की जानकारी को हम रिवील्ड नॉलेज बोल सकते हैं। जैसे कुरान, बाइबल और वेद जो रिलीजियस बुक्स हैं उसका एग्जाम्पल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि इन तरीके की बुक्स से हमको चीज़ें रिवील करके बताई जाती है कि उस समय क्या हुआ था एंड कैसे हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट था प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए उसकी प्रोसेस और प्रक्रिया की जानकारी आपको होती है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, तो इस चीज़ को कहेंगे प्रोसीजरल नॉलेज। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमने देखा टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किए होंगे तो, एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि एक नोट्स अच्छा एंड कंटेंट जो है वो सभी तक जा सके और सभी को मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।